जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी हम लोग बिलासपुर से 13 किलोमीटर दूर फदहा गांव में आए हुए हैं। यहाँ किसी ने हमको इन्फॉर्म किया है कि उनके यहाँ कोई सांप निकला हुआ है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है और उसको सेफली रेस्क्यू करके उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि इस हिस्से में सांप है, तो हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा। ये भली बाहर का लोकेशन है बट इनके घर से लगा हुआ है। कितने देर पहले देखे थे साहब? यही पर आदमी रहे थे। हाथ मत लगाना। लाइन ले ही ना, लाइन लेती से बोल रहा है। धूप ज्यादा हुई तो अंदर की सो है ना। मंदिर तो उठी जान तो बताया था कि यहाँ पर रसल वाई पर सांप देखा गया था करके, और कम से कम 40 मिनट की खुदाई किए हैं। तो उसके बाद उस तरफ हम लोगों ने घर के जो आउटर साइड था उस तरफ खुदाई किया, और इस तरफ जिस तरीके से बिल जुड़ा हुआ था ये बाहर निकल के भाग गया था, इसलिए दौड़ के पकड़ना पड़ा। और जो ये सांप है वो रसल वाइपर नहीं है, ये ट्रिंकनेट है, कॉमन ट्रिंकनेट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है। इसको इंडियन ब्लैक मामा भी कहते हैं, क्योंकि जब भी अपना मुँह खोलता है इसका मुँह जो होता है वो ब्लैक होता है। देखिए आज भी हमारे गांव क्षेत्र में कहें या शहर क्षेत्र में कहें, लोगों को सांपों की पहचान नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है मृत्यु का, क्योंकि इंसान सांप को पहचानता नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सिर्फ डर की वजह से होती है। इसको सरदंगिया कहा जाता है और इसको बहुत ही ज़्यादा जहरीला समझा जाता है, मतलब इसको काट ले तो इंसान बचे ही ना, कोई चांस ही ना हो। और बहुतों को ये घोड़ा करत लगता है। याद रखिएगा, रसल वाइपर बहुत ही जहरीला सांप है। उसका सर ट्रायंगुलर शेप में रहेगा और उसके भूरे बॉडी पे गोल गोल छल्ले रहेंगे, और जो करैत रहेगा वो हमेशा काले में सफ़ेद पट्टी रहेगी। तो ये सांप बेचारा बिना जहर का सांप है, और अभी सिर्फ डर की वजह से इसको जान से मार देते, जबकि ये किसानों का तो दोस्त ही कहना चाहिए, क्योंकि आसपास ये रहकर पेस्ट कंट्रोल का वर्क करते हैं। वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी रेप्टाइल की हेल्प करते हुए, किसी मुसीबत में पड़े हुए इंसान की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, घर पर रहे, क्योंकि जो मेडिकल इमरजेंसी लगी है इसलिए घर पर रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो एक सरकार कही रही है ना कि सामाजिक दूरी बना के रखे आप जहर नहीं होते? नहीं, आप क्या बोल रहे थे कि यानी इसे काटने से बहाली पे एक लड़की खत्म हो गया? ठीक है, इनका पहले इनका कहना यह है कि आज से 10 से 15 साल पहले इसी सांप के काटने से एक लड़की की डेथ हुई थी, मौत हो गई थी, जो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सांप के डर 70% जो मृत्यु होती है वो सिर्फ सांप के डर की वजह से, कार्डियक अरेस्ट से होती है।
वरना इस सांप में तो किसी तरीके का कोई जहर ही नहीं होता है, इसलिए काटे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंसान का डर उसके ऊपर सबसे ज्यादा हावी होता है। आपको सांप काटे, अगर आप पहचानते हैं कि जहरीला सांप है, तो आप फास्ट एड लेकर जितनी जल्दी हो सके जहाँ पे एंटी वेनम विषरोधी दवा हो उस हॉस्पिटल में पहुँच जाइए। और अगर आप प्लीज, हम लोग हमेशा अपने हर वीडियो में यही चीज कहते हैं कि झाड़ फूंक के पीछे मत जाइए। झाड़ फूंक से कभी किसी की जान नहीं बचती है, हॉस्पिटल में जाने से, वो भी सही समय पे जाने से, क्योंकि दवाई को भी आपके बॉडी में काम करने के लिए समय चाहिए रहेगा। इसलिए झाड़ फूंक के पीछे बिल्कुल मत रहिए, हमेशा सही समय रहते हुए डॉक्टर के पास जाइए, आपकी जान जरूर बचेगी। और इस सांप के काटने से तो कभी मौत हो ही नहीं सकती है।